हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस प्रोडक्ट की बात करूंगी जो गार्नियर ब्रांड की तरफ से है। ये मेसिलर क्लींसिंग वाटर है। ये प्रोडक्ट सभी स्किन टाइप्स वालों के लिए है और स्पेशली ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, मेकअप को रिमूव करता है, स्किन को क्लीन करता है, इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोडक्ट के साथ आप फेस, आईज और लिप्स मेकअप रिमूव कर सकते हैं। इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस ऐड नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं ऐड है। ये मेरे पास में बड़ी पैकेजिंग है इसकी, इसमें छोटी पैकेजिंग भी आती है। इस प्रोडक्ट के साइड पे वाइट कलर की चिट है जिसपे सारी डिटेल मेंशन है, इसकी इंपोर्ट एंड मार्केटेड, एंड साथ में इसका मैन्युफैक्चरर के बारे में बताया गया है, बैच नंबर है, साथ में ये भी मेंशन है। यहाँ पे एक फ़ोन नंबर है, आप कोई भी कंप्लेंट हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट मेड इन इंडोनेशिया है। इस प्रोडक्ट के बैक पे यहाँ पे मेंशन है, जेंटली रिमूव्स मेकअप एंड प्योरीफाइज योर स्किन इन जस्ट वन स्वाइप। ये तो मुझे नहीं पता, आगे डेमो में देखते हैं। और साथ में यहाँ पे मेंशन है इसका रिज़ल्ट और डायरेक्शंस लिखी गई हैं कैसे यूज़ करना है। और साथ में ये भी मेंशन है कि वन यूज़, यानी कि ये जो बॉटल है 60 टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है वन यूज़ इज़ इक्वल टू 2 ml। इसकी क्वांटिटी 125 ml है। जो भी व्यूवर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनको मैं ये बता दूँ, शायद कईयों को पता ही होगा कि एक मेकअप रिमूवर और एक क्लिनजिंग वाटर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि मेकअप रिमूवर जो होते हैं वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ उनमें नहीं होती है, और जो मिसेलर वाटर होते हैं क्लिनजिंग वाटर, इनमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट इज़ स्टिल पैक्ड, इट कम्स विद अ पिंक कैप। जो भी व्यूवर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिनको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको यूज़ करके देखते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये मेकअप को किस हद तक रिमूव करता है। और ये पैकेजिंग ट्रैवल फ्रेंडली है। इसका जो कैप है वो काफ़ी टाइट है, आपका जो मेकअप रिमूवर है, क्लिनजिंग वाटर है, वो पावर आउट नहीं होगा। तो अभी मैंने एक क्लीन कॉटन ले लिया है, अभी मैं इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले रही हूँ। इट इज़ डन। यहाँ पे मैंने कुछ लिपस्टिक्स के स्वॉचेस लिए हैं। अगर आपको ये शेड्स अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे, इसकी दूसरी वीडियो है जिस पे मैंने इसका रिव्यू किया है, ये कौन सी लिपस्टिक्स हैं एंड इनके शेड नेम क्या हैं। तो सबसे पहले मैं जिसको रिमूव कर रही हूँ वो एक क्रीमी लिपस्टिक है, क्रीमी प्लस मैट। ये काफ़ी अच्छे से रिमूव हो गई है, यू कैन सी द रिज़ल्ट। तो आप देख सकते हैं लिपस्टिक अच्छे से रिमूव हो चुकी है एंड कॉटन पे आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। जो दूसरे लिपस्टिक का स्वॉच है वो एक लिक्विड लिपस्टिक है। तो अभी हम इसको रिमूव करके देखते हैं। ये एक स्वाइप से होने वाला तो नहीं है क्योंकि ये लिपस्टिक एक लिक्विड ब्रश लिपस्टिक है और प्लस लॉन्ग लास्टिंग है। इस प्रोडक्ट को मैं और क्वांटिटी में ले रही हूँ सो दैट आई कैन रिमूव इट प्रॉपरली। इस प्रोडक्ट को मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था। अगर आपको बाय करना है तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसकी MRP 175 है, बट मैंने इसको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे लिया था। वंस अगेन हम इसको ट्राई करते हैं। अभी मैंने इसको और क्वांटिटी में लिया है, वो क्वांटिटी काफ़ी कम थी, रियली में इट वॉज़ वेरी लेस। यू कैन सी द रिज़ल्ट, ये काफ़ी अच्छे से रिमूव हो रही है, साथ में डस्ट पार्टिकल्स भी जो स्किन से हैं वो रिमूव हो रहे हैं। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप सोच रहे हैं मेकअप रिमूवर लेने की तो आप इस क्लिनजिंग वाटर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एज ए मेकअप रिमूवर इसको नहीं यूज़ करना तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं एज ए क्लिनजिंग वाटर। जैसे कि आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं
ये आपके फेस से अच्छे से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करेगा। आप देख सकते हैं जितना भी मेकअप था वो सारा इस कॉटन पे आ गया है। ये एक स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। सच में ये प्रोडक्ट वाव है, अमेजिंग। यू कैन सी द रिजल्ट, दिस क्लिनजिंग वाटर रिमूव्ड द मेकअप वेरी वेल एंड ये प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो मैं इस प्रोडक्ट को 100 out of 100 दूंगी। जब भी हम घर से निकलते हैं तो सबसे मेन प्रॉब्लम यही आती है कि पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो फेस है वो काफ़ी डल हो जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए। जब भी आप घर आएँ, आप अपने एक कॉटन पैड को लेके थोड़ी सी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट लेके फेस को क्लीन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी फेस पे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। एंड इसमें जो एक मुझे अच्छी बात लगी वो यही है कि मैं कोई भी अगर मेकअप रिमूवर यूज़ करती हूँ तो मेरे फेस पे एक छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं, बट इसको यूज़ करने के बाद मेरे फेस पे पिंपल नहीं आए। मेरे चैनल पे और भी प्रोडक्ट्स के रिव्यू हैं तो आप प्लीज़ उसको भी चेक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।